प्रतापगढ़ के कोतवाली मानधाता के मिश्रपुर गांव में कल आईसी चौराहे के पास युवक की हत्या हुई थी। आज जिला प्रशासन से एसडीएम सदर, क्षेत्राधिकारी रानीगंज और भी फोर्स आई हुई है। संभ्रांत लोग हैं यहां पे। हिंदुस्तान टीवी पर हम बात करते हैं। मृतक की पत्नी के द्वारा 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। एसडीएम सदर को एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें 10 लाख रुपया की मांग की गई है शासन से, और आवास के लिए मांग की गई है, पढ़ाई लिखाई के लिए, भरण पोषण के लिए। और जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है, अभी एसडीएम से ये मांग की गई है, वो लोग पेशेवर अपराधी हैं, सख्त से सख्त इनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। मांग पत्र में ये भी लिखा गया है कि स्थानीय पुलिस द्वारा सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। उस प्रक्रिया को देखते हुए संतुष्ट हुए ये लोग, एसडीएम सदर क्षेत्राधिकारी रानीगंज गए हैं। अब ये सुपुर्दे खाक होगा, अभी उसका समय दिया गया है। नहीं नहीं ठीक है, अपनी बात कही है आप। वो अनपढ़ लोग, मैं मिट्टी में था, मैं आ रहा था, मेरा हाँ अभी बना लेगा अभी, चूंकि ये उसमें है बेचारे सोफ में है, तो पासबुक देना, आधार देना उस महीने। नहीं नहीं आराम से दे देंगे, आराम। आवास के लिए आप एक रिकमेंडेशन भेज देंगे सर ना, तो वो पात्रता सूची में आ जाएगा। नहीं तो अगर वो उस लिस्ट में जाएंगे तो बेचारे पता नहीं आए कि ना आए, तब आए। दो चीज, वो गवाह को भी डरा धमका सकते हैं। हाँ उसमें ये नई चीज कोई नहीं है, एसडीएम साहब की वो नहीं करेंगे, वो करेंगे ये मान लीजिए इनके साथ होगा, वो क्योंकि पेशी वर्ग का कुछ है नहीं, कच्चे मकान है, तमाम बार पुलिस का बस यही नहीं बिना। एक आप रिकमेंडेशन आप भेज मुख्यमंत्री सहायता कोष में भिजवा दीजिए, सर चुनाव है, जाता रहता हूँ सर, चौंक संजय प्रसाद जी से संबंध है, हाथ गोड़ जोड़ूंगा, 10 लाख की देना 5 लाख की मिल जाएगा, कम का इन मासूम बच्चों की एफडी हो जाएगी, उसके ब्याज से इनका परिवार, इनकी पढ़ाई तो चल जाएगी, बस इतने। और वो जो कवरिंग आप भिजवाएं शासन में सर, आपसे विनती है वो कॉपी हमें उपलब्ध करा दी, चूंकि कभी कभी होता है साहब आप भी व्यस्त हो जाते हैं और हमारी बात सुनते तो हैं आप भेजे, लेकिन व्यस्त हो जाते हैं, छूट जाता है, बस बिना निर्दय अभी पहुंचेंगे गंगा बाबू को दे दें, ये रिकमेंडेशन वहाँ भेज दें आपकी तरफ से, डीएम साहब की तरफ से, डीएम साहब की तरफ से मुख्यमंत्री जी भेज दें। भाई परिवार की स्थिति आप देख रहे हैं, परिवार की स्थिति है, इसमें बताना भी नहीं है, बनाना भी नहीं है कोई, तो आपकी कृपा हो जाएगी साहब। इनको मिश्रपुर गांव के युवक की हत्या हुई थी, मौके पे आए थे, आपको एक जो है उन्होंने मांग पत्र दिया है, उस मांग पत्र में छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, आप लोगों के साथ में शासन प्रशासन के लोग थे, क्या आश्वासन दिया है और क्या कौन सा मांग पत्र दिया है उन लोगों ने? उन्होंने मांग पत्र दिया है, उसमें क्योंकि कह रहे हैं कि आवास नहीं है तो आवास की मांग की गई है, और जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई जिससे घटनाएं दोबारा ना हो सके, ये उनकी मांगे हैं। 10 लाख रुपये की मांग की गई है जी। तो हमने मांग पत्र ले लिया है, इसको सक्षम स्तर पर पहुँचाया जाएगा और उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, जो भी संभव मदद हो सकती है उसको पूरा किया जाएगा। कोतवाली मानधाता पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से असले, कारतूस, मोटरसाइकिल, तमंचे आदि बरामद हुए। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले को लेके प्रताप पूर्वी विद्यासागर मिश्र का क्या कहना है। 3 जून को हैंसी चौराहा थाना क्षेत्र मानधाता में आपसी रंजिश में एक युवक को गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में दिए गए तहरीर के आधार पर 3 नामजद अभियुक्तों को थानाध्यक्ष मानधाता और उनकी टीम द्वारा गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त असलहा और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। तीनों अभियुक्तों के पास से अवैध तमंचे बरामद हुए हैं, कारतूस भी बरामद हुआ है। इन अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो क्या उनके इस अवैध कब्जे को हटाने का काम शासन करेगी? अभिलेखीय जांच की जाएगी, मौके पर भी जांच की जाएगी, यदि कब्जा अवैध है तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उनका अतिक्रमण हटवाया जाएगा। अवनीश कुमार मिश्रा, हिंदुस्तान टीवी टुडे, प्रतापगढ़।